सीक्वेंस सीरीज़ के दो लेक्चर अभी तक हम लोग देख चुके हैं, उनमें से हमने देखा कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज़ की डेफिनेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रोग्रेशन हमें पढ़नी है, और उसके साथ साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म निकालना, लास्ट टर्म निकालना और सम निकालना, और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग वहाँ सॉल्व करा चुके हैं। जो अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको शुरुआत से देखना है तो उन दो लेक्चर्स को, दो पार्ट को जरूर देख लें। हम लोग जिस भी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी पार्ट में आप जाते हैं तो पहले आप देख लें कि किस पार्ट को आप रैंडमली देख रहे हैं। उससे पहले अगर उस टॉपिक के सारे, उस टॉपिक को पूरा तैयार करना है तो आप सारे उसके प्लेलिस्ट में जाके, उस प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज लिस्ट क्रिएट की गई है तो आप उसको कंप्लीट करें। जो भी इन सारे वीडियोस को देखता है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मत देखें इसको, पढ़ने के उद्देश्य से, जब आप पढ़ाई के उद्देश्य से बैठे हों और जब आप उसको वॉच करना के उद्देश्य से आपके पास प्रॉपर सफिशियंट टाइम है, एक आपके अंदर एक डिसिप्लिन कि आप एक घंटे या आधा घंटा दे पाएंगे, तभी आप इन वीडियोस को देखें। इतना हमारे साथ सपोर्ट करें, सहयोग करें, तभी आप मारुला क्लासेस की चीज़ों को अपने अंदर ले पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी कमिटमेंट के साथ कि हमारा और आपका वर्चुअल कमिटमेंट है, बट इतना कमिटमेंट आप करेंगे तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले हमने बताया ही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देख चुके हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेशन है। मैथ्स के लगभग हर जगह कोऑर्डिनेट कैलकुलस, हर जगह इसका रिलेवेंस है, क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके थे वैसा ही यहाँ पर भी एक, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को देखते थे, यहाँ कॉमन रेशियो की बात करेंगे। कॉमन रेशियो होता क्या ये देखेंगे। ठीक, तो इन अ गिवन प्रोग्रेशन, गिवन सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस टर्म इज कॉन्स्टेंट। ठीक, तो हमने बोला कि कोई भी आप टर्म लीजिए, एनी, उससे पहले, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, प्रीवियस मतलब उससे पहले आया हुआ, तो टर्म का उससे पहले आए हुए टर्म से रेशियो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो जैसे देखते हैं, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ऐसे कोई सीक्वेंस दी गई। ध्यान दें, बहुत सारे बिगनिंग में बच्चे कॉमन रेशियो नहीं निकाल पाते, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमने कोई भी आप टर्म उठाएं, जैसे आपने ये टर्म उठाया तो उससे पहले कोई है नहीं, तो जब टर्म उठाया उसके पहले कोई टर्म हो, तो जैसे ये टर्म उठाया ए आर, उससे पहले क्या आया, ए, तो ए आर का ए से रेशियो क्या आया, आर। अगर आप चेक करना चाहें तो आप ये उठा लीजिए, ए आर स्क्वायर, आपने बोला जो भी उठाएं उससे पहले, तो ए आर, जब भी आप इसको देखेंगे तो ये भी आएगा आर, तो कॉमन रेशियो मेंटेन है। तो ये क्या हो गई जीपी। ठीक है, तो हम जब भी कभी भी जीपी कंसीडर करते हैं, ए ए आर स्क्वायर, अब देखिए अगर इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर हुआ, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हुआ। अगर ऐसे ही फिफ्थ टर्म की बात करें तो ए आर पावर में फोर, तो देखो यहाँ से पावर को ऑब्जर्व करें तो प्लस वन हुई, यहाँ से पावर को ऑब्जर्व करें, हाँ तो प्लस नहीं माइनस वन हुआ, सही बात करें, ये माइनस वन हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, माइनस वन हुआ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, एक हम जनरल टर्म एनवा निकालते हैं तो हमने देखा जो भी टर्म निकालते एक कम होने के बाद, तो एन से कम क्या हुआ, एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं जनरल टर्म बोले या
nth टर्म बोलें, ठीक है, ये फार्मूला हमें याद करना, याद रखना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिगनिंग है, बिल्कुल बिगनिंग मतलब जो इनिशियल लेवल पे है, शुरुआत है उनके लिए। तो पहला टर्म देखिए यहाँ पे a माना गया 5, r जो निकालते हैं दूसरे टर्म सेकेंड टर्म को ले गए 25, उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो जब डिवाइड करेंगे तो 5, अब इसका 5 से मल्टीप्लाई अगर करें इंटू 5 कर दें, इसमें 5 करें तो कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करते जाएं अगर, तो आपको आगे वाला टर्म मिलता जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे कोई टर्म निकालना हो इंटू 5 कर दीजिए, तो कितना आएगा 5 करके, हाँ तो 625 आ जाएगा। आगे फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन रेशियो, ये खासियत होती है, ठीक है, कि आप उतना ही रेशियो मेंटेन मल्टीप्लाई करते हुए आएगा। अब हमें T10 निकालना है, तो ए आर की पावर इससे कम 9, ए क्या निकाला है 5, आर क्या निकाला 5, 5 की पावर 9, तो 5 की पावर 10, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ऐसा दिया जैसा बहुत ही इजी है, ठीक। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट टर्म 1/4 कॉमन रेशियो, हमने कहा बहुत लोग गलती कर देते हैं इसीलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। -1/2 क्योंकि सेकेंड टर्म -1/2 है, उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ जाएगा तो -4/2, देखो क्या है -2। अब हम देखते हैं कि आगे नहीं दिखते, चेक ऐसे कर लें, चेक 1/4 -1/2, देखो हमने क्या किया, 2 का -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ -2 का मल्टीप्लाई करें, तो -2 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या है, हाँ है, तो ये क्या है, GP दी गई है, ठीक। इसमें हमने कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, ठीक, GP है। हमें फिफ्थ टर्म निकालना है P5, AR की पावर से कम 4, A कितना दिया गया 1/4, कॉमन रेशियो कितना है की पावर 4, 2 की -2 की पावर 4 माइनस इवन पावर से हट जाएगा 16/4 4 आ गया, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मगर इनको भी लगाना चाहिए, प्रैक्टिस में जब चीज़ें नहीं रहती तो आप हड़बड़ा जाते हैं, कोई भी हो, ठीक। थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएंगे अभी, ठीक, ज़रूरी भी है। एट्थ और फोर्थ टर्म दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, दिया गया मतलब फोर्थ टर्म वो है और एट्थ टर्म ये है, ध्यान दें टर्म आप GPR, तो मतलब ये जो है वो फोर्थ है और ये क्या है एट्थ, तो T4 क्या दिया गया 24 और T8 क्या दिया गया 384। अब फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है हमें, कॉमन रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, AR की पावर 3 बराबर 24, AR की पावर 7 बराबर 384, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे या इतना ना करके, इतना नहीं करिए, सीधे ऐसे कर दीजिए, तो जब आप डिवाइड कर दिया तो देखिए 1/r की पावर 4 बराबर 1/ कितना आया, हाँ 16 आ गया, ठीक। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 16, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, तो r बराबर कितना हुआ 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, चलिए अब इसमें रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 मतलब 2 की पावर 3, यहाँ रखें ना, निकाल लेंगे, इतना तो कैलकुलेशन करें भाई, ठीक है, तो ए कितना आया, हाँ ये वाला आ गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो ये है, आंसर आपके सामने, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लें, ठीक। फिफ्थ टर्म ऑफ ए GP इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, ये क्वेश्चन यहाँ तक गया है, ठीक है, ये यहाँ तक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकालना है और फिफ्थ टर्म दिया गया है। वैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, फिफ्थ टर्म दे देगा तो प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स इसे पूछा है, 4 टर्म दे देगा प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म ऐसे पूछेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, फिफ्थ टर्म पहले देख लेते हैं, फिफ्थ टर्म क्या है 2, फिफ्थ का मतलब है AR की पावर 4, दैट इज़, ठीक है,
ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जब भी कोई बच्चा पहली बार करता है तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो एक ही इक्वेशन में ए है अननोन और आर भी है, तो इससे कुछ निकल नहीं पाएगा हमारा, ना ए निकल पाएगा ना आर। ए को आर के टर्म में निकालोगे या आर को ए के टर्म में निकालोगे उससे भी कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म देखते हैं हम लोग, जैसे लिखें ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर फोर, ए आर की पावर फाइव, ए आर की पावर सिक्स, ए आर की पावर सेवन, ए आर की पावर एट। इतना पैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने आपके सामने लिख दिया। अब आप देखिए तो ए कितने बार आया, नाइन टर्म्स आया तो नाइन बार आया, ए की पावर नाइन हो गया, ठीक है। जुड़ जाएंगी पावर सारी, मल्टीप्लाई है, आर की पावर जुड़ेंगी तो यहाँ से जुड़ेंगी वन प्लस टू प्लस थ्री और कहाँ तक, एट तक, ठीक है। तो एक से लेके एट तक, हाँ ऐसे जोड़ दें यहाँ समाप्त नेचुरल नंबर लगा दें, 36 हो जाएगा, ठीक। ये एडिशन कितना हुआ, 36 हो जाएगा। तो ए आर की पावर फोर की पावर नाइन, ए की पावर नाइन और ये मल्टीप्लाई होगा 36। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन जो शुरुआत दी थी ये वाली, ये आपको सीधे उठा के रखनी, ठीक है। टू की पावर नाइन आंसर आ गया। अब टू की पावर नाइन मतलब, हाँ ठीक है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक, कि इन्फॉर्मेशन जैसी दी गई उसी उठा के रखना है, ठीक। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप ध्यान रखें, ठीक। फर्स्ट टर्म ऑफ ए जी पी इज़ वन और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, कॉमन रेशियो निकालना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म जैसा ए मानते हैं वो वन दिया गया, थर्ड टर्म T3 और फिफ्थ टर्म T5, दोनों को क्या किया गया, सम किया गया। तो T3 प्लस T5 जब सम किया गया तो कितना आया, 90। T3 को क्या बोला गया, ए आर स्क्वायर, T5 को ए आर की पावर 4 बराबर 90। ए आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, 1, यहाँ पे दिया गया आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। अब यहाँ पे देखें कि मान लो इस सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, चाहे तो हम आंसर को ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर आर स्क्वायर बराबर हम टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी। क्या सपोज़ किया हमने आर स्क्वायर और टी, तो टी 1 प्लस टी बिगनिंग के लिए यहाँ पर 90, ठीक है। कुछ ना करें आप, टी प्लस टी स्क्वायर बराबर 90, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 बराबर 0। अब स्प्लिट मिडिल टर्म, तो यह 90 का फैक्टर क्या करेंगे, हाँ हाँ 90 को आप 10 इंटू 9 में स्प्लिट कर देंगे, तो 10t माइनस 90 और माइनस 90, तो डायरेक्ट ये करना चाहें तो t प्लस 10 हो जाएगा, एक में क्या आएगा, t माइनस 9, तो t बराबर माइनस 10 हुआ और t बराबर 9। हमने यहाँ पे r स्क्वायर माना था, क्या माना था, अब ऐसी सिचुएशन में अगर आते हैं तो r स्क्वायर बराबर माइनस 10 आया और r स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो देखो कभी भी किसी का स्क्वायर निगेटिव पे बराबर नहीं होगा, तो डिस्कार्ड हो गया। आर स्क्वायर और नाइन है तो आर बराबर हमेशा दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू कॉमन रेशियो आ गया प्लस माइनस 3, कहाँ पे प्लस माइनस 3 है, ठीक है। या यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर ये सिचुएशन जैसे आई आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 90, तो अगर यहाँ पे हम 9 माने और यहाँ पर 1 प्लस 9 माने, ठीक है, तो 9 × 10 क्या हो गया, 90 हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, 9। बट ये प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिस में वो चीज़ें होगी तभी आप कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आधारित शुरुआत के अच्छे क्वेश्चंस, जिसको आप लगाकर अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के शुरुआती क्वेश्चंस से अच्छे क्वेश्चंस पे भी आप जा सकते हैं, बट ये तभी हो पाएगा जब पेशेंसली, हमने बोला कि एक हमारा कमिटमेंट है कि आप ये अगर सेशन या लेक्चर ये देख रहे हैं तो अगर आपके अंदर वो भावना होगी, जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में किसी क्लास में
क्लास का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, और जो सामने पढ़ा रहा है उसकी गाइडलाइंस को आप प्रॉपर फॉलो करें। तो अगर आप पढ़ने के उद्देश्य इसको देखते हैं, मावला क्लासेस की कोई भी आप लेक्चर को पढ़ने के उद्देश्य से देखते हैं, तो अगर आपने अपने आप में वो भावना क्रिएट कर ली, तो मुझे लगता है कि जो हम यहाँ पर दे रहे हैं उसी तरीके से वर्चुअली आप एक हमारे मावला क्लासेस के स्टूडेंट की तरह ही एक अच्छे लेवल पे पहुँचेंगे। इसी भरोसे के साथ इस लेक्चर को हमने कंप्लीट किया है, और एक नए जोश और नई क्रिएटिविटी के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और यही साथ आगे तक जाएगा। अभी हम लोग इस टॉपिक को यहीं विराम दे रहे हैं। धन्यवाद या थैंक यू उसको बोलें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, मुझे भी वो इंतज़ार रहता है कि हम आपको कुछ दे पाएँ, अच्छा लगता है, ठीक है।